সো মাই নেম ইজ কুইন পোদ্দার, কাইন্ডলি আই পার্সুইং ইনফরমেশন টেকনোলজি জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। তো আজ মানে ডিসকাস করতে বলা হু প্রাইভেট ভার্সেস গভর্নমেন্ট, তো ইসকে অন্দর কোন সা বেস্ট হ্যায় আপকে লিয়ে, কা বেস্ট রহেগা অর ইয়া ইন দোনো মে জো ডিফারেন্স হ্যায় বেসিক্যালি, তো ও হাম বাত কারেঙ্গে আজ। ঠিক হ্যায় তো ফার্স্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার কে বারে মে বাত কারেঙ্গে, উসকে বাদ ফি স্ট্রাকচার, উসকে বাদ ক্যাম্পাস কিসকা ক্যাসা হ্যায়, উসকে বাদ ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স কে বারে মে, উসকে বাদ প্যাকেজ, উসকে বাদ অ্যাটেন্ডেন্স কে বারে মে, और यही सब बेसिक कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है। ओके, सबके लिए अलग 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 प्रेफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो फास्ट स्टार्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, प्राइवेट कॉलेजेस आपको पता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके उनसे थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बिकॉज वो लोग फीस बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं। आपको पता है 4.5 लाख 6 लाख भी है। ठीक है, तो इसलिए वो लोग मेंटेन कर सकते हैं। और अगर मैं जादवपुर की बात भी करूँ तो फिर आप देख लेना कि जादवपुर पैकेज बहुत बढ़िया देते हैं, लेकिन स्टिल उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही खराब है, बिकॉज मेंटेन नहीं होता उतना ज़्यादा, बिकॉज फंडिंग नहीं आता। लेकिन है टॉप नॉच, वो IIT से भी बहुत ऊपर है जादवपुर यूनिवर्सिटी, आपको पता है। ऐसे ही हाल है बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज का, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा एक प्लस पॉइंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से प्राइवेट कॉलेज को तो एक पॉइंट जाता है, बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। और फीस के बारे में आपको क्या बताऊं, आपको पता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो केस है, प्राइवेट बहुत ज्यादा हाई फीस होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फीस में रुकेंगे, आपको ड्रेस का पैसा देना पड़ेगा, आपको वहां से नोटबुक खरीदना पड़ेगा उसका अलग से पैसा, उसके बाद अगर विंटर सीजन आया तो फिर ब्लेजर का अलग से खर्चा, मतलब वो लोग खर्चा लेते ही रहते हैं भाई। आप मतलब कुछ भी हो आपके पॉकेट एकदम क्या बोलते हो खाली होने वाला है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात बताऊँ तो फिर UMG के अंदर में जो गवर्नमेंट कॉलेज आता है उससे 40 से 50,000 और 70,000 के अंदर आपका पूरे 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो उसका अलग से खर्चा होता है, फूड और मेस मिला के तो अलग से। ठीक है, और अगर कैंपस की बात करूँ तो UMG के अंदर जो जो गवर्नमेंट कॉलेज आता है उनका कैंपस बहुत बड़ा होता है, दैट्स ह्यूज। ठीक है, और जो प्राइवेट कॉलेज है तो उनका कैंपस बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं, उनका जो कॉलेज एरिया है वही उनका कैंपस है। ठीक है, आप प्राइवेट कॉलेजों को 20 से मत कंपेयर करना जो UMG के अंदर है। ठीक है, 20 से मत कंपेयर करना, बिकॉज 20 का बहुत ज़्यादा हाई है, और प्लस उनका फीस स्ट्रक्चर तो मतलब 25 लाख रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा है उनका फीस स्ट्रक्चर, और प्लस उनका जो एरिया है बहुत बढ़िया है और बहुत सारे गेम है। और अगर UMG के अंदर बोलूँ तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज का जो लैंड एरिया है और कैंपस है वो बहुत बढ़िया और प्लस बड़ा है एक्सपेक्ट टू प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज को पॉइंट मिलता है कैंपस। और आपका एक देखो, कॉलेज ये नहीं कि आप सिर्फ जाओ पढ़ो, ऐसा नहीं, कॉलेज में आपको ओपन माइंड होना पड़ता है, आपको सब कुछ एक एक्सप्लोर करना पड़ता है, एक नया लाइफ है एक्सप्लोर करते हो। या फिर इंजीनियरिंग लाइफ में आपको कुछ फिजिकली करना पड़ता है, ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरिकली, आपको कुछ करके देखना पड़ता है, प्रैक्टिकली होना पड़ता है। ठीक है, तो कैंपस थोड़ा बड़ा होने से क्या होता है, आपको फील आता है, आपको आपका कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया होता है। और अभी अगर मैं बात करूँ फैकल्टी मेंबर के बारे में, अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई में पैशन है, आप और ज़्यादा आगे जाना चाहते हो कि आपको इंटेक करना है, उसके बाद कुछ और ऊपर आप हायर स्टडी के लिए, आप बिजनेस स्टडी या फिर किसी भी के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो पढ़ाते हैं फैकल्टी मेंबर वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं JU का बात करूँ तो वो टॉप नॉच है भाई, वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स वो बहुत बढ़िया है। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बहुत बढ़िया, बिकॉज उनका जो वो बहुत पहले स्टैब्लिश हुआ था, उनका जो फैकल्टी मेंबर वो बहुत बढ़िया है, प्लस उनका लाइब्रेरी और जो पढ़ाने का सिस्टम वो बहुत बढ़िया है, और वहाँ पर बहुत अच्छा रिसर्च होता है, रिसर्च के लिए CU बहुत बेटर है और बेस्ट है। ये पॉइंट भी जाता है गवर्नमेंट कॉलेज को, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज के फैकल्टी मेंबर बहुत बढ़िया है, ये बताने की बात नहीं, लेकिन आपको पता है अगर आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको फैकल्टी मेंबर से बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं और अच्छा से बात करते हैं और आपको समझाते हैं बहुत सही। हम JGC में पढ़ता हूँ, मेरे फैकल्टी मेंबर भी बहुत अच्छा है, उनके साथ रिलेशन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको बोलो, तो आप ऐसा होता है कि आज मेरा एक दोस्त है तो वो शाम को हमारा जो HOD है फिजिक्स का उनके पास गए कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्लास ना हो तो फिर भी वो आपको कॉन्सेप्ट समझा देता है, तो ये रिलेशन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी अगर बात करूँ मैं अटेंडेंस के बारे में, तो देखो भाई किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ उनका एक ही फैक्टर होता है 75% आपको अटेंडेंस चाहिए चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे अटेंडेंस की कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, देखो मेनली जो होता है ना कि आप कुछ भी पढ़ लो, आपका जो सिलेबस है वो आपको भी पता है कि सिलेबस थोड़ा आउटडेटेड होता है, वो बहुत ज़्यादा न्यू सिलेबस नहीं होता जो आपको इस टाइम पे चाहिए, आपको खुद से कुछ कुछ नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करना पड़ेगा। जैसे कोडिंग आपको नॉर्मली आप देखोगे बहुत सारा कोडिंग जो लैंग्वेज होता है CPP, जावा, पाइथन और जो HTML है सब आपको नहीं सिखाया जाएगा आपको कोर्स के दौरान, तो बाकी सब कुछ आपको खुद से सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए फ्री। और जो जो ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं ये लोग 75% का जो क्राइटेरिया रखते हैं अटेंडेंस का, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिलता। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो फिर आपको फ्री टाइम मिलेगा, आप खुद के ऊपर वर्क कर सकते हो, आप नया स्किल एक्वायर कर सकते हो, आप नया लैंग्वेज सीख सकते हो, तो दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया ये में नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे तो फिर आपको जो बहुत तरीके से चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, आप सीख सकते हो, 3D डिज़ाइन हो गया, और उसके बाद एनिमेशन हो गया, फोटोग्राफी हो गया, आप न्यू क्लब एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व कर सकते हो, डांस क्लब हो गया, बहुत सारे क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब, आप यहाँ से बहुत दूर दूर जा सकते हो। ठीक है, अभी मैं आऊँगा 6th टॉपिक, दैट इज़ एलुमिनाई। एलुमिनाई एक कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच सकते हो लाइक हार्ट बीट, बिकॉज एलुमिनाई है जो आपको बहुत नया नया कंपनी से आपके कॉलेज को इंट्रोड्यूस कराएगा और प्लस आपको रिफर करेगा न्यू कंपनी में कि आपको मतलब यू एलिजिबल फॉर दैट कंपनी। ठीक है, तो एलुमिनाई बेस्ड होना बहुत ही जरूरी है।
और अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज का, तो गवर्नमेंट कॉलेज का एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज ये जो कॉलेज है ये बहुत पहले स्टैब्लिश हो चुके हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा बैचेस निकल चुके हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे 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 कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग वो लोग ऑब्वियसली आपको हेल्प करेंगे आपको किसी किसी भी प्रॉब्लम में, तो अगर आप लोग उनके साथ कनेक्शन और बॉन्डिंग क्रिएट करोगे तो फिर वो लोग आपको रेफर भी करेंगे, ठीक है। तो एलुमनाई बेस करना बहुत जरूरी है, और प्लस अगर एलुमनाई हो तो फिर वही भैया लोग आपके सीनियर्स लोग नए नए कंपनी को अप्रोच करते हैं कि वो लोग आपके कैंपस में जाए, ठीक है, तो बहुत हेल्प होता है। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस रिसेंटली स्टेबल हुआ, उतना ज्यादा पुराना नहीं है। अगर मैं आईआईएम की बात करूँ तो फिर वो 1989 में स्टेब्लिश हुआ है, और अगर मैं एचआईटी की बात अगर मैं टेक्नो इंडिया मेन की बात करूँ तो फिर वो स्टेबल हुआ 2001 में, 2001 हो सकता है, बहुत नया है। और अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ जेजीसी का, तो फिर स्टेब्लिश इन 1961, जो बहुत पहले है, और जेयू और भी पहले, ठीक है, सोच सकते हो। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी और भी पहले स्टैब्लिश हुआ था, तो आप सोच सकते हो तो इनके एलुमनाई बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अलग बात है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग पार्ट है वो 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो इसलिए उसका पैकेज बहुत ज्यादा हाई नहीं है एज रिस्पेक्ट टू जेजीसी, ठीक है। फिर भी सी यू को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था, बिकॉज वो कलकत्ता साइड में एकदम मेन सिटी में, ठीक है, इसलिए उनको उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया था। लेकिन अगर आपको पैकेज चाहिए सही में ज्यादा अच्छा, तो फिर मैं प्रेफर करूंगा आपको सी यू से पहले जे यू को जेजीसी को रखने के लिए, ठीक है, तो आपको पैकेज ज्यादा अच्छा मिलेगा, और एलुमनाई बेस भी हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है एज रिस्पेक्ट टू सी यू। एलुमनाई बेस का ये जो पॉइंट है ये भी जाता है गवर्नमेंट कॉलेज को, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन आप सोच सकते हो कौन सा ज्यादा बेटर है, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, और बाकी आपके ऊपर है। सबको सुनने के बाद आपको जो लगता है कि आपको किस में जाना चाहिए, तो दैट्स अप टू यू, ठीक है, मैं फोर्स नहीं करने वाला, नहीं मैं आपको बोलूंगा कि आप ये जॉइन कर लो वो जॉइन कर लो, ठीक है। और लास्ट में सबसे जो मेन चीज है दैट इज पैकेज, पैकेज कहाँ पे कैसा मिलता है, तो पैकेज ऐसा है कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जो लास्ट में उनका उनसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज का बहुत अच्छा अच्छा पैकेज निकलता है, ठीक है। सबसे पहले तो जेयू है भाई, उसके बाद बात नहीं हो सकता, उसके बाद सब लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो पैकेज है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी आप देख सकते हो, उन्हें अपग्रेड नहीं किया हुआ, और जो मेरे को मिला है रिसर्च के दौरान 18 लाख जो कि हाईएस्ट है, 18 लाख एलपीए वो हाईएस्ट मुझे मिला, और जो एवरेज है वो 4 लाख के अराउंड है एवरेज जो फीस है। और अगर मैं बात करूँ कि आईएम के जो कि प्राइवेट कॉलेज है उसका बहुत हाई है, उसका हाईएस्ट पैकेज दैट इज 42, और एवरेज जो है दैट इज 4.8, और अगर मैं उसका फीस की बात करूँ तो फीस 7 लाख है, सोच सकते हो फीस बहुत ज्यादा होगा 7 लाख है। और एचआईटी की बात करूँ तो एचआईटी का जो हाईएस्ट पैकेज दैट इज 44 एलपीए, और एवरेज है दैट इज 4.2, और फीस है 4.5 लाख। टेक्नो इंडिया मेन, टेक्नो इंडिया मेन जस्ट एक ही कॉलेज है जो बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। टेक्नो इंडिया का जो अदर ब्रांचेस है जो अलग कॉलेजेस है वो लोग बहुत अच्छा पैकेज नहीं देते, उनका नाम ही ऐसा सेट किया जाता है कि आप मतलब क्या क्या बोलते हैं आप मिसलीड हो जाओगे, मिसगाइड हो जाओगे कि टेक्नो इंडिया मेन या फिर कुछ और। टेक्नो इंडिया मेन ही आपको पढ़ के सही से देना है ड्यूरिंग योर काउंसिलिंग, ठीक है। टेक्नो इंडिया का मेन का जो हाईएस्ट पैकेज दैट इज 25 एलपीए, एवरेज जो है 4 लाख है, और जो फीस है दैट इज 5.96, दैट मीन 6 लाख नियर अबाउट। बात करूँ कि पैकेजेस इन गवर्नमेंट कॉलेज को, देखो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम है और रिटर्न बहुत ज्यादा है। आप सोच के देखो फीस 40-70,000 में हो जाता है किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में वो वैरी करता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, बिकॉज अगर आईटी का बात करो तो आईटी में ज्यादा फीस होता है, बिकॉज फंडिंग नहीं मिलता ज्यादा, और बाकी कोर ब्रांच में थोड़ा कम होता है, समझ गया। तो उसका जो पैकेज होता है आप जेयू बात करो तो 1.5 सीआर जाता है वो। उसके बाद जेजीसी का बात करूँ तो जेजीसी में जो हाईएस्ट है 46 एलपीए, जो कि ऊपर में गया था भैया, और उसके नीचे 36 एलपीए गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और उसके बाद सब लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी देखते हैं, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो था दैट इज 18 लैक्स, ठीक है, और उससे ज़्यादा अभी हो सकता है, बिकॉज मैंने आप ये बात करो तो 2019 का अराउंड जो मैंने डेटा लिया है, तो अब शायद उन्होंने अपग्रेड नहीं किया ठीक से, तो इसलिए मेरे को नहीं मिला, तो इससे ज़्यादा हो सकता है। मैंने अप्रॉक्स कहा कि 18 लाख है, बाकी मेरे को सही से मालूम है, जेतु मैं जीजीस में पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम है, और जेयू का तो अपडेट होता रहता है, तो सीयू का उतना ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ, इसलिए मैंने अप्रॉक्स बोला आपको 18 लाख, ठीक है। देखो अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ पैकेज चाहिए, तो और तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी कोर ब्रांच में जाके आप नॉन कोर को नहीं पढ़ सकते हो, अलग से आप कोडिंग सीख सकते हो, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी कुछ भैया लोग हैं जिन्होंने 17-18 लाख का भी पैकेज लिया है कोर डिपार्टमेंट से, ठीक है, उनके मेहनत के दम से, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको 7-8 लाख किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके खर्चा करके उसके बाद उसके बाद 8-9 एलपी से अच्छा आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आके 40-50,000 से देके आप 12-13 लाख का एलपी ले लो, ये बहुत ज़्यादा ये बढ़िया है, ठीक है। तो यही है, और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो कि मुझे आईटी करना है सीएससी करना है, कोई आपके ऊपर है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, लेकिन टॉप कॉलेज को छोड़ के आपको किसी भी और प्राइवेट कॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और वो इन माय पर्सपेक्टिव मतलब वो ले भी है, बिकॉज ज़्यादा पैसा देकर आपको पैकेज 3 या 4 एलपीए मिलेगा, तो आप जितना खर्चा कर रहे हो उससे कम ही मिलेगा। अगर आप 6 लाख खर्चा करो तो 4 लाख का एलपीए मिलेगा, तो एक साल तो आपका वो पैसा उठाने में चला जाएगा कि जितना आपने खर्च किया 4 साल में, ठीक है, और तो उसका ऊपर इंटरेस्ट ऐड कर लो, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि आपको कब जाके वो पूरा पैसा आपका उठेगा, मतलब उठा सकते हो। तो यही है, अगर टॉप कॉलेज नहीं मिला प्राइवेट के अंदर तो फिर मत जाओ, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता तो फिर जाओ, और गवर्नमेंट कॉलेज में एकदम लास्ट की तरफ में भी नहीं बोलूंगा जाने के लिए, आप कोशिश करियो। अगर आपका बहुत ज़्यादा रैंक है, लाइक अगर आपका 30,000 35,000 प्लस है, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज के जो पीछे के ब्रांचेस है गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसमें ट्राई कर सकते हो,
तो उसमें आ गए तो बहुत बढ़िया। तो उसमें अप्लाई करके आप फिर से कोडिंग करके आप अच्छे अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। देखो ऑन कैंपस नहीं होता तो फिर आप ऑफ कैंपस में ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया आप पैकेज निकाल सकते हो। अगर मैं कुछ बिहार का बात करूँ तो कुछ बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने रिसेंट वो विजिट किया है, ठीक है, उसमें गया तो उसके 12 लाख जो है वो हाईएस्ट पैकेज गया था, बिकॉज वो बहुत ही न्यू है, 2016 में वो स्टैब्लिश हुआ था, बहुत न्यू कॉलेज है, वो धीरे धीरे बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो वो भी जा सकते हो, अगर आपका रैंक बहुत हाई है तो। मैंने उसके अंदर एक वीडियो है आपको देखना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। और उसके अंदर मैंने एवरेज जो पैकेज है उसका हाईएस्ट पैकेज और मेस का खाना कैसा होता है उसके बाद फैसिलिटी ये सब मैंने बोला है, ठीक है, और कॉलेज कैंपस कैसा है उसका भी मैंने विजिट किया, आप जा सकते हो देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस टॉप 10 कॉलेज अंडर OMG। कुछ भाई मेरे को बोलते हैं कि भाई भैया मेरे लिए टॉप 10 आप प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट बना दो, टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट बना दो, तो मैं आपको बना दूंगा। उस वीडियो में मैं टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज का बात करूंगा, उसके बाद उसका फीस के बारे में बात करूंगा और प्लस हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसा वीडियो आते रहेंगे, तो वीडियो के लिए और रिलेटेबल और सही इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है कि WJEE में मेरा इतना रैंक है आप मुझे ये कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और कुछ भी डाउट है, तो फिर नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत भाई लोग हैं तो, और मेरे कुछ दोस्त लोग भी है वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, वंदे मातरम।